नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर एक ए, दो, जो जो के 2022 में वैकेंसी आई है 6414 पदों पे उसका सेफ स्कोर क्या रहेगा हम कितना टारगेट लेके चले ताकि हमारा सलेक्शन हो सके ठीक है तो इसके लिए क्या टारगेट लेके चलना है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्रीवियस ईयर में जो पिछले जो वैकेंसियाँ आई हैं उसका थोड़ा सा कट ऑफ के एनालिसिस करेंगे ठीक है और हमें एग्ज़ाम भरने मतलब फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम देने तक कितना समय मिला था उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे उसी अकॉर्डिंग हम अपना कट ऑफ लगाएंगे लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूँगा वो एग्जैक्ट उतना ही होगा ये एक अनुमान है ठीक है आप लोग खुद समझदार हैं ये सिर्फ एक अनुमान है एक टारगेट लेके चलना है कि कम से कम इतना तो आपको स्कोर करना ही करना है ठीक है तो चलिए ये वैकेंसी बात कर लेते हैं 2016 में 2016 में के की वैकेंसी आएगी थी सितंबर 2016 में ठीक है कितने पदों पे तो 4348 पदों पे ठीक तो ये वैकेंसी आई थी सितंबर में ठीक है कितने पदों पे तो 4348 पदों पे इसका एग्ज़ाम कब हुआ था तो इसका एग्ज़ाम शायद मार्च में हुआ था और अप्रैल में इसका रिजल्ट आ गया था यानी के में अगर आपको आप के क्या करता है फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम कराने तक का मिनिमम जो समय देता है वो कम से कम तीन महीने का समय देता है ठीक है तो उसी अकॉर्डिंग आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम कब हो सकता है ठीक तो इसमें कट ऑफ कितना गया था तो जनरल का कट ऑफ गया था हंड्रेड देखिए इसमें जो अनुपात चला था ना वो पचासी अनुपात पंद्रह का चला था पचासी अनुपात पंद्रह का ठीक है यानी पचासी परसेंट रिटर्न का और पंद्रह परसेंट आपका इंटरव्यू का तो इसका जो कट ऑफ कितना गया था जनरल का तो सौ नंबर गया था यानी कि सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट इसका गया था ठीक ओबीसी का कितना गया था तो नाइन्टी फोर एस टी एस सी का एस सी का कितना गया था अट्ठासी नंबर और एस टी का सेवेंटी नाइन नंबर गया था ठीक है और इसका फाइनल यानी ज्वाइनिंग कब करा दिया गया था तो सितंबर दो हज़ार सोलह में ये वैकेंसी आई थी और अक्टूबर में इसका फाइनल ज्वाइनिंग ये करा दिया था यानी के बी एस एक ऐसी वैकेंसी है जो बहुत कम समय में आपको फाइनल सेलेक्शन यानी फाइनल ज्वाइनिंग दे देती है आते हैं 2018 में तो 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय 2018 में वैकेंसी आई थी तिरपन सौ पदों पर और ये वैकेंसी कब आई थी तो मुझे याद है एग्जैक्ट डेट 20 अगस्त 2018 को ये वैकेंसी आई थी ठीक है कितने पदों पे तिरपन सौ पदों पे लेकिन बाद में इसमें कुछ बाद में क्या किया गया था इस पद को कुछ कम कर दिया गया था अब पता नहीं क्या कारण था लेकिन ये कम कर दिया गया था ठीक है तो इसमें कितनी कट ऑफ गई थी तो इसमें जनरल की जो कटाव गई थी वो 95 फाइव गई थी अब आप कहेंगे सर इस बार तो मतलब 2018 भी तो बड़ा कम कट ऑफ गया था तो ये कट ऑफ इसलिए कम गया था क्योंकि इस उस बार का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था ठीक है जब भी पेपर कठिन आएगा तो कट ऑफ क्या होता है कम होता है जब पेपर थोड़ा सा इजी हो जाता है तो कट ऑफ क्या होता है ऊपर चला जाता है ठीक है तो इसलिए ये कट ऑफ थोड़ा सा कम आया तो था नाइन्टी फाइव नंबर ये आया था यानी अगर परसेंटेज इसमें भी पचासी पंद्रह का रेस्ट चला था तो यानी कि सिक्सटी सिक्स सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट बना था ठीक है ओ की बात करें तो चौरानवे एस टी का अट्ठासी और एस का अट्ठासी और एस का सेवेंटी गया था लेकिन जब दो की वैकेंसी आएगी तो देखिए किसी भी कटाव में मतलब 2016 का आपने देखा इधर 2016 में देखा तो कितना गया था 66.67 इधर आप 2018 में देखिए तो 63.33 गया है तो आपको इस बार कम से कम 180 का 180 का 70% परसेंट का टारगेट लेके चलना चाहिए यानी 180 का 70% परसेंट आपको लाना ही पड़ेगा तो अगर 180 का 70% परसेंट निकालेंगे तो 126 से 28 के बीच में ये नंबर बैठ रहा है ठीक है 126 से 128 के बीच में तो अगर बात करें सेफ स्कोर की कि कितना कम से कम नंबर ला सके क्योंकि आप इस बार का रेशियो कितना है इस बार का जो रेशियो है सत्तर अनुपात तीस का है यानी सेवेंटी रेशियो थर्टी का है यानी सत्तर परसेंट आपका रिटर्न का होगा और थर्टी परसेंट आपका इंटरव्यू का होगा ठीक है तो इस बार इंटरव्यू का रोल ज़्यादा है तो अगर आपने अगर आपने मतलब आपको फाइनल सेलेक्शन बताना लेना है तो अगर आपने रिटर्न में कम से कम 130 का स्कोर करना है कम से कम मिनिमम स्कोर मैं बता रहा हूं कम से कम अगर इससे नीचे आता है तो समझ लिए कि आप थोड़े से खतरे में रहेंगे डेंजर में डेंजर जोन में रहेंगे ठीक है लेकिन अगर 130 से अगर आप जितना ऊपर ले सके अगर आप 140 प्लस कर लेते हैं तो आपके लिए समझिए कि गुड इनफ है आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे ठीक है और 30 परसेंट यानी 30 परसेंट आपका रिटर्न का है तो मान लीजिए तीस आपका रिटर्न यानी कि साठ नंबर का अगर रिटर्न है तो अगर उस साठ नंबर में अगर आप अगर आप अच्छे से नंबर ला लेते हैं या मान लीजिए कि अगर साठ नंबर का रिटर्न है आपका तो उसमें अगर आप पचास प्लस भी कर लेते हैं तो आप आसानी से आपका सलेक्शन हो जाएगा तो सत्तर तीस का रेशियो लेके चलना है ठीक है रिटर्न में आपका रिटर्न में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है ताकि अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू में आपका थोड़ा सा नंबर कम भी रह जाता है तो सिलेक्शन हो जाएगा अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश आपका रिटर्न में एक ही आ गया बस एक बन रहा है तो आपको इंटरव्यू में अगर मान लीजिए साठ नंबर का इंटरव्यू है तो आपको पचास प्लस लाना ही होगा ताकि आप फाइनल सलेक्शन ले पाएँ ठीक है तो मिनिमम आपको कितना सेफ स्कोर होने वाला है तो मिनिमम आपका सेफ स्कोर होने वाला है, वो है 130. 130 से नीचे तो कोई सुनवाई ही नहीं होगी क्योंकि देखिए चार साल वैकेंसी चार साल बाद वैकेंसी भी तो आई है वो बात अलग है कि चार साल बाद वैकेंसी आई है तो कोई चार साल से लगातार केबीस की के तैयारी कर भी नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी इतनी कम वैकेंसी आई है और के बी एस पी आर टी सिर्फ के बी एस पी आर टी की बात करें तो सिर्फ के बी एस पी आर टी में लगभग सात से आठ लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है ठीक है सात से आठ लाख बच्चों ने सिर्फ के बी एस पी आर टी के लिए फॉर्म भरा है तो और सीटें कितनी हैं छः हजार चार सौ चौदह है तो और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कम से कम इतना स्कोर तो इतना कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा तो कम से कम एक का टारगेट और ये एक इसका मतलब ये नहीं है कि एक आ गया तो आपका सलेक्शन ही हो जाएगा नहीं ये मिनिमम कट ऑफ है एक लाना होगा अगर आप मैंने रिटर्न में एक नंबर ला दिए और आपका इंटरव्यू में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो आप सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे ठीक है तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि देखिए अगर आप कोई कि दुनिया का कोई भी कोचिंग वाला और दुनिया का कोई भी टीचर आपको सलेक्शन नहीं दिला पाएगा अगर आपको सलेक्शन लेना है तो खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा एक मान के चलते हैं कि आपने कोई कोचिंग ले लिया ठीक है एक्स वाई जेड कोई भी आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया जिससे आपको लगता है कि नहीं इस कोचिंग में हम कोचिंग को ज्वाइन कर लें तो मेरा सलेक्शन पक्का हो जाएगा लेकिन आपने कोचिंग ले लिया और आपने उस टीचर से पढ़ा ही नहीं जो जिस कोचिंग को आपने परचेज किया जो भी आपने ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच में ज्वाइन लिया ज्वाइन किया उसको और आपने उसको खुद आपने से पढ़े नहीं तो क्या आपका सलेक्शन होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि आपको सलेक्शन टीचर क्या करता है टीचर आपको गाइड करेगा टीचर आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा लेकिन भैया प्रैक्टिस तो आपको ही करना पड़ेगा ना मेहनत आपको ही करना पड़ेगा बिना आपके पढ़े सलेक्शन दूर दूर तक नहीं होने वाला है इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग कोचिंग लीजिए अच्छी बात है कोचिंग खरीद लेना अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम पढ़ो भी तो भाई नहीं पढ़ोगे तो कैसे सलेक्शन होगा आप लोग क्या करते हैं सर आप कल के सर आप क्या करिए कि आप स्टार्ट करिए मैथ स्टार्ट करिए इंग्लिश स्टार्ट करना शुरू दीजिए ये पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए लेकिन आप पढ़ते नहीं हो दस बारह दिन आपके अंदर जोश रहता है उसके बाद से आप क्या करते हो पढ़ते पढ़ते लिखते नहीं हो कहते तो सर समय ही नहीं मिल पाता अरे भैया जब आपको जॉब लेना है और आपके पास तीन चार घंटे यानी दिन भर में अगर दो तीन वीडियो देखने का भी समय नहीं मिल रहा है तो आप सोच लीजिए कि आप आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है यह बातें कड़वी लग सकती है दोस्तों लेकिन मैं मैं आपको मीठी गोली दे के आपको भरमा भरमाने यहां पे नहीं आया मैं चाहता हूं कि आपका रियल में सलेक्शन हो मैं चाहता हूं कि आपने जितने लोगों ने भी पेड कोर्स लिया है हमें लगता है कि लगभग किस जितने लोग भी पेड कोर्स चला रहे हैं सभी में बच्चे कम से कम तीस से चालीस बच्चों ने उस पेड कोर्स को ज्वाइन किया है जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंगे हैं जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब पर चैनल हैं अगर उन सभी सारे बैच में सारे के सारे बैच में कम से कम चालीस से पचास बच्चों ने इन किया है यानी उनका उनका बैच खरीदा है तो क्या उन सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि उन्हीं का होगा जो वाकई में अपने से मेहनत कर रहे हैं खुद से मेहनत कर रहे हैं जो टीचर पढ़ा रहा है उसको तो पढ़ी रहे हैं और खुद से भी मेहनत कर रहे हैं इस तरीके से सलेक्शन होता है ना कि किसी का कोर्स खरीद लेने से ना किसी की, की टीचर से पढ़े मैं कितना भी पढ़ा दूँ कोई और भी टीचर कितना भी पढ़ा दे तो आपका सलेक्शन नहीं होगा सलेक्शन आपका तभी होगा जब आप खुद पढ़ेंगे तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और आपको टारगेट लेके चलना है क्या देखिए अभी क्या है के की वैकेंसी आई आपने आपने कोर्स खरीदा सुपर टेट की वैकेंसी तो भी आप कोर्स खरीदेंगे कोर्स खरीदने से सलेक्शन नहीं होता ये बात हमेशा याद रखिए और मैं और किसी टीचर के पढ़ाने से भी सिलेक्शन नहीं हुआ आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा खुद से भी चीजों को सीखना पड़ेगा जब तक आप खुद आप, आप, आप मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक आप कभी भी कोई जंग जीत नहीं सकते ठीक है तो ये चीज हमेशा आपको याद रखना है और रही बात कट ऑफ की तो 130 का टारगेट लेके चलिए मिनिमम कम से कम 130 और 140 140 अगर स्कोर कर पाते हैं आप तब आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे क्योंकि 180 नंबर का पेपर है ठीक है और इस बार निगेटिव मार्किंग है चार साल बाद वैकेंसी आई है तो कम से कम 140 130 के बीच में ही आपका कट ऑफ रहेगा अगर इससे ऊपर भी चला जाता है तो कोई अतिश्योक्ति वाली बात नहीं होगी ठीक है तो आपको कम से कम एक का सत्तर मान के चलना है कि एक सौ अस्सी का सत्तर परसेंट कट ऑफ जाएगा जो पिछली बार का भी गया है इतना ही ठीक है तो इस अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है ठीक है दोस्तों तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा जय हिंद जय भारत